मध्य प्रदेश में एक बार फिर मिड डे मील के नाम पर बड़ी धांधली उजागर हुई है। बच्चों के भोजन के नाम पर करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। भ्रष्टाचार का खेल खेलने वाले दलालों ने मासूम बच्चों के मुंह के निवाले को भी नहीं बख्शा। वहीं अब जब मामला सामने आया तो इस पर राजनीति शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में इन दिनों गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। 1 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश जारी है जो कि 15 जून तक रहेगा, लेकिन अजब गजब मध्य प्रदेश के हाल ऐसे कि यहां बंद पड़े स्कूलों में भी मिड डे मील का खाना परोसा जा रहा है। आपको यह जानकर अचरज होगा कि मध्य प्रदेश में गर्मियों की छुट्टियों में बंद पड़े स्कूलों में मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है। इसका डाटा मध्याह्न भोजन के पोर्टल पर लगातार अपलोड किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जब गड़बड़ी पकड़ी तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। अब केंद्र सरकार ने एमपी सरकार को पत्र लिखकर दोषी शाला प्रभारियों पर एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कलेक्टर्स को भी पत्र भेजकर इसकी जांच कराने के लिए कहा गया है। जांच के दायरे में 49,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को शामिल किया गया है। कागजों में बांटा जा रहा बच्चों को सरकारी भोजन का मामला कुल 23 जिलों का है। वहीं इस पूरे मामले पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मिड डे मील में हुई गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो भोजन किसको परोसा जा रहा है, सरकार इसका जवाब दे। मिड डे मील में जो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में जो घोटाला है वो ये है कि इन्होंने पूरे राज्य में 100% बच्चों के राशन का आहरण किया है। 100% बच्चे तो क्लास में आते नहीं है, किसी दिन 60 में से 30 बच्चे आते हैं, 40 बच्चे आते हैं, 50 बच्चे आते हैं, तो जो अनुपस्थित बच्चों का जो राशन है ये कहाँ जा रहा है। और दूसरी चीज, जब क्लासेस नहीं लग रही, बच्चे नहीं आ रहे, शिक्षण का काम नहीं हो रहा है, तो ये आहार पोषण किसको दे रहे हैं, ये बात स्पष्ट करें। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता अजय यादव ने इस पूरे मामले पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पर कार्य करती है, किसी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिड डे मील के मामले में सरकार निश्चित ही कार्यवाही करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से मिड डे मील के मामले में किसी तरह की गड़बड़ी का मामला संज्ञान में आया है और सरकार इस मामले पर निश्चित ही कार्यवाही करने जा रही है और जो भी दोषी या जिम्मेदार होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश के बच्चों के साथ किसी भी तरह का अन्याय या भ्रष्टाचार नहीं होने देगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।